अच्छा एक बात बताइए, कैलकुलेटर देखा है? आप कहिएगा क्या मूर्खता भरा सवाल पूछ रही हो, लेकिन शर्तियाँ बता रहे हैं कि पूरा कैलकुलेटर आपने नहीं देखा, 90% ने तो नहीं ही देखा होगा। ये डेटा देश के सांख्यिकी मंत्रालय का नहीं है, लेकिन है, देखा है तो बताइए कैलकुलेटर में एम एम प्लस सी वाले बटनों का मतलब क्या होता है। नहीं मालूम तो आगे सुनिए। बचपन से अब तक हमने कई चीज़ें देखी, लेकिन कई चीज़ें बस देखी भर, उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाए, उनके बारे में बहुत सोचा नहीं, बहुत खोजा नहीं। मसलन ज्योमेट्री बॉक्स की चीज़ें, कंपास और प्रोटेक्टर का काम पड़ जाता था तो उसका इस्तेमाल हम जानते थे, बाकी डिवाइडर सेट स्क्वायर का काम कब पड़ा? रिमोट के लाल हरे पीले और नीले बटन ही ले लें, चैनल बदल रहा है, वॉल्यूम बढ़ घट रहा है तो नीले पीले हरे बटन का क्या काम? या रेडियो के AM FM में क्या फ़र्क है? ये किसी फलसफे का हिस्सा रहा होगा, आम इस्तेमाल का नहीं। ठीक वैसा ही मसला कैलकुलेटर का है, इस्तेमाल सब करते हैं, कुछ घरों में वर्जित भी होता था ताकि 2 × 4 और 19 × 57 याद करवाया जा सके। बाद में तो उन घरों में भी समझ आ ही जाता था कि 19 × 57 के बिना भी जीवन बसर हो सकता है। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, कैलकुलेटर में ये एम एम प्लस सी जो बटन होते हैं उनका मतलब क्या होता है? चलिए सबसे पहले एम वाले को निपटाते हैं। बेसिकली ये कैलकुलेटर की मेमोरी है, MC माने मेमोरी क्लियर, M प्लस माने मेमोरी प्लस, M माइनस माने मेमोरी माइनस, MR यानी कि मेमोरी रिकॉल। मिसाल से समझें, चीनी की 100 बोरियां माल गोदाम में आई, चीनी का प्रति किलो दाम 10 रुपये, इसके अलावा अरहर की दाल की 20 बोरियां आई, दाल का दाम 40 रुपये प्रति किलो, चना आ गया 50 बोरी, चना है 20 रुपये का 1 किलो। अब चीनी दाल और चने का कुल दाम हमको निकालना है, तो आज तक तो यही लगता था कि पहले चीनी का कुल दाम निकाल लें, कॉपी पर लिख लें, फिर दाल का निकालें कहीं लिखें, और फिर चने का कुल दाम निकाल कर बाकी दोनों के दामों के साथ प्लस कर दिया जाए। लेकिन कॉपी की बचत के लिए ही है ये एम प्लस, तो इस बटन का कुल जमा काम ये है कि अलग अलग हिसाब को लिखना ना पड़े, वो कैलकुलेटर अपनी एम फॉर मेमोरी में रखेगा, फिर जहां जोड़ना घटाना है वहां लगा दो। तो इस केस में अगर आपको बिना कॉपी के कुल दाम निकालना है तो इसे ऐसे लिखिए जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अंत में MR यानी कि मेमोरी रिकॉल दबा दीजिए और कैलकुलेटर को सब याद आ जाएगा और जवाब आएगा 2800। जादू नहीं गणित, एम माइनस का काम घटाने के वक्त आता है और MC याददाश्त मिटाने का काम करता है। कैलकुलेटर में ऐसे ही 2 और बटन होते हैं, पहला CE बोले तो क्लियर एंट्री, अगर कुछ लिखते लिखते गलत लिखा जाए तो स्मार्टफोन तो है नहीं कि कर्जर पीछे करके ठीक कर लें, इसके लिए है CE, जस्ट हुई गलती का सुधार। फिर एक बटन है AC, एयर कंडीशनर नहीं ऑल क्लियर, यानी जो जो लिखा है सब कुछ मिटा देने वाला। बाकी ये जो सिंबल आप स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं वो स्क्वायर रूट के लिए होता है, 2 लिखकर ये स्क्वायर रूट वाला बटन दबा दीजिए तो आएगा 1.414। प्लस माइनस का इस्तेमाल नेगेटिव नंबर्स के साथ होता है और बस। तकनीक की आमद में बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्रांति का है, निबंध का पुराना विषय है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, औद्योगिक क्रांति के समय खूब आवश्यकता हुई तो खूब आविष्कार हुए, इसी क्रम में आया कैलकुलेटर। 1773 में पहला कैलकुलेटर आया, इससे पहले कैलकुलेशन के लिए कुछ मशीनें इस्तेमाल में थी लेकिन ये पहला फंक्शनल कैलकुलेटर था। फिर ऑल ट्रांजिस्टर और डेस्कटॉप कैलकुलेटर सामने आए, हाथ में सेट हो जाए, ऐसा कैलकुलेटर आया 1967 में, और 1971 में LED डिस्प्ले वाला कैलकुलेटर आ गया। और इसी के साथ होती है हमारी कैलकुलेटर पुराण समाप्त। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी सोम ने, मेरा नाम दिव्यांशी है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।